नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती, आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। गुना शहर में आज क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज के द्वारा एक विशाल रैली निकालकर फिल्म पद्मावत का विरोध किया गया। इस रैली के द्वारा शहर में बाजारों को भी बंद कराया गया। गौरतलब है कि राजपूत और क्षत्रिय समाज द्वारा फिल्म पद्मावत का देशव्यापी विरोध जारी है। जहां एक और आज देश भर में यह फिल्म कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच रिलीज हुई, वहीं मध्य प्रदेश एवं राजस्थान दोनों ही राज्यों में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में यह रैली निकालकर समाज द्वारा आज बाजार को भी बंद कराया गया। इस रैली में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। वहीं दुकानदारों ने भी रैली को देखते ही अप्रिय घटना के डर से अपनी दुकानें बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के चार जज खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय और पक्षपात हो रहा है। जिस सुप्रीम कोर्ट में 50-50 साल मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोर्ट में कोई चला जाता है उसका पंच बिक जाता है, लेकिन कोर्ट के मुकदमे नहीं निपटते। उस जो लोग दुश्मन है उनके खिलाफ में हम ये आंदोलन कर रहे हैं और सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरे बिहार के लोगों ने सहयोग दिया है हमको और ऐसे ही समर्थन हम हमें भविष्य में चाहते हैं। और आज ये जो लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, भारतीय जाति है, भारतीय संस्कृति की है, भारत के सम्मान की है, भारत की नारियों की है, भारत की वीरता की है और भारत के इतिहास की है। गुना नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने आज बढ़ते पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी के बैनर तले बैलगाड़ी एवं साइकिलों से रैली निकाली। इस रैली में सभी लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट भवन पहुंची, जहां राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने इस बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज डीजल और पेट्रोल की बेहताशा जो वृद्धि की जा रही है उसके विरोध में बैलगाड़ियां लेकर और साइकिलों के साथ कांग्रेस जनों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस जन प्रदेश के राज्यपाल जी से, महामहिम राज्यपाल जी से यह अनुरोध करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो अतिरिक्त बैठकर डीजल और पेट्रोल पे लगा रखा है उसको तत्काल वापस लिया जाए, जिससे किसान प्रदेश के जो छोटे छोटे काम धंधे वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उनको निजात मिल सके, ऐसी कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है।
आरोन नगर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यहां नए मतदाताओं का परिचय पत्र दिया गया, साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात SDM अरविंद वाजपेयी ने नए मतदाताओं एवं सभी मतदाताओं को पूर्ण मतदान करने व ईमानदारी के साथ मतदान करने की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरोन SDM अरविंद वाजपेयी उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार निर्मल सिंह राठौड़ ने की। वहीं नायब तहसीलदार कालूराम मीणा, गजेंद्र सिंह मीणा, BLO दिलावर खान आदि विशिष्ट रूप से यहां उपस्थित रहे। साथ ही नगर के सभी पत्रकारों सहित कई गणमान्य नागरिक भी यहां उपस्थित रहे। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं, कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर अन्य किसी धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचे गुना। गौरतलब है कि कल 26 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल परेड ग्राउंड पर झंडा वंदन भी करेंगे। आज मुख्यमंत्री के गुना पहुंचने की सूचना प्राप्त होते ही शहर भर में साफ सफाई देखने को मिल रही है। वहीं जैसे ही मुख्यमंत्री के जिला चिकित्सालय में पहुंचने की बात सामने आई तो जिला चिकित्सालय के अधिकारीगणों द्वारा आनन फानन में जिला चिकित्सालय परिसर की साफ सफाई कराई गई। साथ ही गंदी दीवारों को भी यहाँ पुताई के द्वारा ढक दिया गया। वहीं यहाँ पर यह भी देखने आया कि कई दिनों से खस्ताहाल रोड कॉलेज रोड को भी विगत रात एक ही रात में चमचमाता हुआ कर दिया गया। समस्या परे है कि ये हाल सिर्फ मुख्यमंत्री के आने पर ही या किसी और बड़े नेता के आने पर ही क्यों देखने मिलता है? क्या शहर की साफ सफाई व स्वच्छता किसी नेता के आने की मोहताज है? थाना क्षेत्र में युवक पर किया गया चाकुओं से जानलेवा हमला। घटना घोसीपुरा क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां युवक के घर में घुसकर कुछ लोगों ने उसके परिजनों के साथ गाली गलौज की। साथ ही बचाव करने पर युवक के ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक विष्णु यादव को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। साथ ही कैंट थाने में पुलिस ने संबंधितों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। विष्णु यादव कहाँ से हो? घोसीपुरा। हाँ बताए, क्या हुआ आपके साथ? ये मेरी चाची हैं, घर पे खाना बना रही थी और चूल्हे पे, तो ये लोग आए, कमल लाल, सुरेन, नंदू, कोमल,
ये लोग गाली देने लगे, तो मैंने इन लोगों से बोला मैं गाली क्यों देने लगे। तीन लोगों ने, चारों ने मुझ पर घातक हमला कर दिया। सुरेन ने मेरे पर चक्कू सवार किए और तीनों ने लाठियों से वार किए मेरे ऊपर। आपने थाने में रिपोर्ट कराई? जी, मैं थाने में FIR कटवाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं क्रिकेट मैच के साथ हुआ आनंद उत्सव का समापन। आरोन नगर में शासन के निर्देशानुसार 14 से 25 जनवरी तक आनंद उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर 19 सेक्टर बनाए गए थे। प्रत्येक सेक्टर में 3 पंचायतों को सम्मिलित किया गया था, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का आनंद लिया गया। वहीं रस्साकसी, चेयर रेस, बोरा रेस, कबड्डी व क्रिकेट मैच आदि के आयोजन हुए। इन सभी खेलों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों सहित ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी भी उपस्थित रहे। से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा आज बापू पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि उक्त संगठन पिछले कई वर्षों से रजक समाज को मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, पर सुनवाई न होने के अभाव में आज धोबी महासंघ द्वारा त्रस्त होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शरण ली गई। इस ज्ञापन में राष्ट्रपिता से मांग की गई कि वे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को यह सद्बुद्धि प्रदान करें कि वे मध्य प्रदेश में प्रजक समाज को अनुसूचित जाति में जल्द से जल्द सम्मिलित कर दें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय धोबी महासंघ ने नमन किया है उनके चरणों में, और अखिल भारतीय धोबी महासंघ की जो मांग है कि रजक समाज को पूरे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का एक समान दर्जा दिया जाए, क्योंकि अभी हमें दो भागों में बांट रखा है, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार। दोनों से विनती करने के बाद, लगातार ज्ञापन देने के बाद भी और शिवराज सिंह चौहान जी के वादा करने के बाद भी, वो वादा पूर्ण न होने के बाद भी आज त्रस्त होकर के आज सत्य के लिए, सत्य की जो लड़ाई है, 1976 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके आधार पर राजस्थान सरकार ने भी संपूर्ण प्रदेश में रजक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया था, जिसका लाभ आज भी हमारे भाई लोग वहाँ पर ले रहे हैं। इसी संदर्भ में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी को हमने एक उनके चरणों में एक प्रेस ज्ञापन उनको दिया है, जिसमें हमने उनसे मांग की है कि क्षेत्रीय बंधन की गुलामी से मुक्ति दिलाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार व मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को सद्बुद्धि प्रदान करें और उनको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कर के वो समानता का अधिकार भारत के गजट नोटिफिकेशन 1976 का पालन कर रजक समाज को संपूर्ण प्रदेश में एक समान अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करें। यही हम बापू जी से विनती करते हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और शिवराज सरकार को इस पर सदुपयोग प्रदान करें, ताकि ये पिछड़ा हुआ समाज है, इसको उसका अधिकार प्रदान किया जा सके।
बजरंगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गड़ला की रहने वाली पारदी महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं मारपीट के बाद महिला का गर्भपात हो गया है। बता दें कि महिला के पेट में 6 महीने का गर्भ था, जिसका मारपीट के बाद विगत रात को गर्भपात हो गया है। महिला का कहना है कि उसी के गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ उस समय मारपीट की जब वह घर में खाना बना रही थी। पीड़ित महिला मारपीट की घटना के बाद बजरंगढ़ थाने भी पहुंची थी, जहां कुछ लिखा पढ़ी तो हुई, लेकिन उसे FIR की कॉपी नहीं दी गई। साथ ही बजरंगढ़ पुलिस द्वारा महिला को जिला चिकित्सालय में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच कर उसे नॉर्मल बताकर वापस लौटा दिया, जिसके बाद रात को 2 बजे के करीब महिला को वापस दर्द उठा और उसका गर्भपात हो गया। उक्त महिला आज सुबह से ही फिर जिला चिकित्सालय पहुंचकर डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी, साथ ही अपने नवजात के शव को भी साथ में लिए अस्पताल परिसर में यहां से वहां घूम रही थी, पर कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। साहिबा, कहां से आए? क्या समस्या है, क्या मैटर है, पूरा कल से क्या हुआ पूरा बताएंगे थोड़ा? शंभू और वीरेंद्र आके दारू पी के फिर मेरे को खाना बनाती को मारी, खींची, धक्का दिया। 2 दिन से खून चालू हो गया, फिर थाने में गए, थाने वाले रिपोर्ट तो लिखी थी। थाने में गए थे? बजरंगढ़ थाने में? बजरंगढ़ थाने में गए। क्या बोला वो? वो बोला कि कर रहे थे। तो फिर इसके बाद क्या अस्पताल पहुँचे? अस्पताल पहुँचे तो अस्पताल वाले भी नहीं कर रहे। फिर ये जो हुआ है, मतलब जो अबॉर्शन जो हो गया रात में, कब कितने बजे की घटना है? 2 बजे। इससे पहले डॉक्टरों ने नहीं बताया था कि ऐसी कुछ आशंका है? नहीं बोला, वो बोला कि सही है, अच्छा है। कितने महीने का बच्चा था? 6 महीने का। अभी 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 हुआ रिपोर्ट वगैरह कुछ उसमें के नहीं हुआ? रिपोर्ट तो हुई है पर नहीं आई। क्यों पड़े हो गड़ला में? तुम्हें भाग जाओ, पारदी को भगा देंगे हम। पारदी को भगा देंगे तो फिर जमीन खा रहे हैं, हम तो पैसे से खरीदी हुई है। पुलिस पुलिस के पास पहुंचे नहीं पहुंचे तुम वहां? पहुंचे। वो क्या बोला पुलिस वाला? पुलिस वाले कह रहे कि लगाएंगे केस, पर अभी तक हमको उसकी नकल भी नहीं दी। हमने मांगा कि रिपोर्ट दे दो मेरे को, तो डॉक्टरी मायना होएगा जब ही करेंगे कार्रवाई, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी ऐसा धंधा हो गया, जब भी मेरी नहीं सुन रहा, दरोगा फोन लगा रहे 10 बजे तो फोन लगा रहे, बस स्टॉप कर लिया, बस स्टॉप कर लिया, मैडम भी स्टॉप कर लिया। अब हम कहाँ जाएंगे साहब, किधर रहेंगे? हम नहीं सुनवाई करेंगे तो हम तो भोपाल भी जाएंगे साहब, किधर किधर जाएंगे, नहीं लेके चले चले फिरेंगे, बच्चे को ले फिरेंगे, नहीं फेंकेंगे हमें बच्चे को, ऐसे इधर भी चले फिरेंगे हम तो। आरोन नगर में भारतीय स्टेट बैंक के बाबू द्वारा एक वकील के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद आरोन के वकील लामबंद हुए एवं उन्होंने थाना प्रभारी को एक ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही इस मामले में संबंधित बाबू पर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन बैंक मैनेजर को भी सौंपा और संबंधित पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी एवं बैंक मैनेजर ने वकीलों को कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता के साथ साथ एडवोकेट भी है, पढ़े लिखे इंसान है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट सीनियर होने के बाद एक बैंक कर्मचारी मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है नामदेव नाम से, उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, गाली गलौज की, कुर्सी लेकर मानने खड़ा हो गया। तो ज्ञापन दे करके उनसे निवेदन किया है, उन्हें आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह में इनका स्थानांतरण हो जाएगा, यदि स्थानांतरण एक सप्ताह में नहीं होता तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लगातार पूरे क्षेत्र में आपके रिश्ता भी लगातार काफी टाइम से, कोई नाम दे आप क्या गाली गलौज करता है आदमियों से, अच्छे से नहीं बोलता। अब ये वकील साहब को उठाई गिरा दे रही है महिला से भी हुई तो उसे भी रिपोर्ट डाली। उम्र को भी ध्यान रखना चाहिए। एक महीने पहले अपन बैठे हुए थे, आप नहीं है, सामने समझा भी मैं चले गए थे चुपचाप, मैं कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ तो बहुत सजा आपको आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट।
डिजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।